अच्छा जी, मैं काम करता हूं, ये पूरे ये जो एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का, ये पूरे लॉजिक के साथ हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे। इफ यू वांट यू कैन राइट आल्सो कि उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है। अगर या तो आपको लॉजिक पता है तो आप साथ साथ उसको मैच करते जाओ अपने सोल्यूशन से। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है और इस एग्जाम्पल के साथ मैं इसको सोल्यूशन करता जा रहा हूं, एक एक पॉइंट विथ लॉजिक और क्या अप्रोच होनी चाहिए कि सर ने कैसे किया, सर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये अप्रोच को याद रखना। अब मैं आपके लिए काम आसान कर देता हूं, यहां से लेकर जब तक मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए, जब तक डिस्कशन खत्म ना हो जाए, तब तक इस लेक्चर का ये वाला क्लिप मैं अलग से एडिट करके YouTube के साथ साथ आपके ऑनलाइन डाउनलोड आपके बैकएंड में हमेशा के लिए डाल दूंगा, ताकि एग्जाम टाइम में आप इस क्लिप को ही सिर्फ देख लो स्पीड में चला के, ताकि आपको वो एक रिविजन हो जाए, ठीक है ना। हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स, सो दिस क्लिप विल बी देयर ऑलवेज फॉर यू, ठीक है। चलो हम बनाते हैं एक ब्रांच स्टॉक अकाउंट। गोल्डन रूल क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा किस वैल्यू पे आना चाहिए? अगर कोई फिगर आईपी पे नहीं है, एसपी पर है, सेलिंग प्राइस पर है, तो क्या करेंगे? अपोजिट साइड में उसकी लोडिंग डाल देंगे ताकि वो आईपी में आ जाए। यही बोला है, ठीक है। ये हो गया एक ब्रांच स्टॉक, उसके नीचे बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट के अंदर क्या आता है? गेन्स, लोडिंग। ब्रांच एडजस्टमेंट का नेचर क्या है? लोडिंग का नेचर है, जितनी भी लोड। अच्छा, इसका इसका रियल लॉजिक क्या है? ब्रांच एडजस्टमेंट आपको बताता है दो टाइप के प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स? ब्रांच एडजस्टमेंट कौन कौन से प्रॉफिट बता देगा? प्रॉफिट अर्नड बाय हेड ऑफिस फ्रॉम ब्रांच और प्रॉफिट अर्नड बाय ब्रांच फ्रॉम कस्टमर। ब्रांच एडजस्टमेंट आपको दो टाइप के प्रॉफिट बताएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट में मालूम पड़ेगा आपको कि दोनों ने कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया। तीसरा अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। इसके ऊपर गोल्डन रूल क्या है? गुड्स सेंड टू ब्रांच हमेशा किस वैल्यू पे आना चाहिए? हमेशा किस पे आना चाहिए? कॉस्ट पे। अगर कोई फिगर कॉस्ट से ऊपर है तो कॉस्ट पे लाने के लिए अपोजिट साइड लोडिंग लिखी जाएगी, ठीक है। लास्ट ब्रांच पेडल, ये जैसे नॉर्मली एक कॉमन पेडल बनता है वैसे बनेगा, कोई सेपरेट लॉजिक नहीं है। ब्रांच स्टॉक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? हाँ, तो ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक है 240। कुछ भी नहीं बोला जाए तो हम हमेशा फिगर किस पे मानेंगे? आईपी पे। तो ये फिगर आईपी पर है 240, और हमारा रूल कहता है कि ब्रांच स्टॉक हमेशा आईपी पे होना चाहिए। जैसे ही मैंने 240 लिखा, मैं कौन? हेड ऑफिस। जैसे ही मैंने 240 लिखा, मैं मान लूंगा कि ये गुड्स इस साल ब्रांच इमीडिएटली सेल कर लेगा। वो चाहे सेल अभी उसने किया नहीं है, वो सेल कर लेगा और मुझे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए इसके अंदर हेड ऑफिस का कितना प्रॉफिट है? क्योंकि ये प्राइस आईपी पर है, क्योंकि ये प्राइस आईपी पर है, इसकी रियल कॉस्ट हेड ऑफिस के लिए कितनी है? 1 लाख। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने ये ब्रांच को 80,000 पे ज्यादा प्रॉफिट पे बेचा है, मुझे 80,000 का प्रॉफिट। मैं आज पहले दिन एडवांस में बुक कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि इस पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए बाय स्टॉक रिजर्व बोलो, बाय स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग 80। ये 80 का लॉजिक क्या है, मैं साइड में लिख रहा हूं। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 80? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ 80? टेल मी। प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस, प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस आईपी माइनस कॉस्ट। रिकॉर्डेड इन एडवांस, हमने उसको एडवांस में ही रिकॉर्ड कर लिया। ब्रांच सेल करेगा, ब्रांच सेल करेगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, पर मैं प्रॉफिट को आज ही बुक कर रहा हूं। 80,000 का प्रॉफिट मुझे हो जाएगा। प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस रिकॉर्डेड इन एडवांस। चलो नेक्स्ट फिगर कौन सा है? व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर? गुड सेंट। नेक्स्ट इज गुड सेंट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। फिगर बोलो, 12 लाख। कुछ भी नहीं बोला तो फिगर किस पे होगा? आईपी पे होगा। तो 12 लाख आईपी पे होगा। इसकी दूसरी पोस्टिंग करो, इसकी दूसरी पोस्टिंग करो, गुड सेंट में आएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 12 लाख। रूल क्या है? गोल्डन रूल नंबर 2 हमारा,
ये कौन, ये इसका फिगर किस पे 12 लेके, पर इसको रिकॉर्ड किस पे करना है? तो अपोजिट साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपोजिट साइड में क्या करना पड़ेगा, लोडिंग। जब भी मैं कोई पोस्टिंग करूंगा और अगर वो फिगर कॉस से ऊपर भी चला गया तो मैं उसको कॉस पे लाने के लिए मैं अपोजिट साइड लोडिंग। और लोडिंग मतलब हमेशा कौन सा अकाउंट? लोडिंग मींस व्हाट? लोडिंग मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट। तो यहां पर आएगा टू ब्रांच एडजस्टमेंट 4 लाख। अब मुझे बताइए 4 लाख की पोस्टिंग क्या होगी, लोडिंग की पोस्टिंग क्या होगी, बोलो। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड बाय गुड सेंट टू ब्रांच कितना बताइए हेड ऑफ, ये कौन सा प्रॉफिट, ये किसका प्रॉफिट, ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट ब्रांच से जो कमाया या फिर ब्रांच का प्रॉफिट जो कस्टमर से कमाया? ये 4 लाख किसने कमाया? हेड ऑफिस ने कमाया। पर क्या ये प्रॉफिट हेड ऑफिस ने सच में कमा लिया है कि वो एडवांस में रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ एडवांस में। तो लिखो प्रॉफिट ऑफ हेड ऑफिस रिकॉर्डेड इन एडवांस गुड्स नॉट गेट सोल्ड बाय ब्रांच। हेड ऑफिस मान लेगा कि ब्रांच तो ये गुड सेल करना ही है, ब्रांच गुड सेल करेगा तो मेरा तो प्रॉफिट रिकॉर्ड हो ही गया। देखो अप्रोच कैसे चली, ध्यान से देखिएगा अप्रोच कैसे हुई। सबसे पहले पोस्टिंग ये किया नंबर वन, फिर यहां से मेरी इसकी पोस्टिंग यहां हुई नंबर टू, फिर उसी को मैंने यहां पर रिवर्स किया नंबर थ्री, और इसकी मैंने नेक्स्ट पोस्टिंग यहां कर दी नंबर फोर। कनेक्शन देखो 12 लाख रिकॉर्ड किया, 12 लाख का दूसरा पोस्टिंग किया, पर देखा तो 12 लाख कॉस्ट पे नहीं है तो उसके अपोजिट साइड में 4 लाख का पोस्टिंग किया एज अ लोडिंग और उसी 4 लाख को नीचे एडजस्टमेंट पोस्ट किया। रियल लॉजिक क्या है? रियल लॉजिक ये है कि 4 लाख का प्रॉफिट हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर लिया ये मानते हुए कि ब्रांच तो ये आगे गुड सेल कर लेगा। समझा कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट रिटर्न बाय ब्रांच, ये भी किस पे मानेंगे? ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस रिटर्न कर लिया तो बताओ रिटर्न कर ले तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा कि गिरेगा? कम होगा। क्रेडिट साइड बाय गुड सेंट ब्रैकेट में लिखेंगे रिटर्न कितना 150 और ये फिगर तो आईपी पे होगा और हमने इसको आईपी पे लिखा है, बहुत खत्म, कोई दिक्कत नहीं। पर इसकी दूसरी पोस्टिंग आ जाएगी इसी अकाउंट में, गुड सेंट अकाउंट में करिए इसकी पोस्टिंग टू ब्रांच स्टॉक 150,000। क्या ये 150 आईपी पर है कि कॉस्ट पर है? हाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ये आईपी पर है, मैंने यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में आईपी पर है ताकि बाद में आपको रियलाइज हो कि हाँ हम लोडिंग क्यों हटाते हैं, जबकि हमारा लॉजिक क्या है कि हमें इसको मेन कॉस्ट पर लिखना चाहिए। यस टेल मी ये फिगर आईपी पर है तो टेल मी अब मुझे क्या करना चाहिए, अपोजिट साइड मुझे इसकी लोडिंग लिखनी चाहिए कि नहीं? तो किस नाम से लिखूंगा? लोडिंग हमेशा एक ही नाम से आएगी बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 50,000। आईपी को कॉस्ट पर लाने के लिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, मैंने अपोजिट साइड में लोडिंग लिख दी, आईपी को कॉस्ट पे लाने के लिए मैंने ऐसा किया 50। अब इस 50 की पोस्टिंग करिए, ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में क्या टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 50। बताइए मुझे 50 का लॉजिक क्या लिखूं, 50 का लॉजिक क्या लिखूं? क्या मैं कह सकता हूं कि ये 50,000 पहले कभी ना कभी हेड ऑफिस ने यहां पर 4 लाख में बुक किए थे? वेदर दिस 50,000 इज अ पार्ट ऑफ दिस 4 लाख, टेल मी यस और नो। दिस 50,000 इज अ पार्ट ऑफ 4 लाख। 4 लाख क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस ने पहले गुड सेंड किए थे ये मानते हुए कि ब्रांच उसको सेल कर देगा, पर ब्रांच ने तो गुड्स उसको वापस कर दिए तो प्रॉफिट भी तो रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ तो ये बोलो यहां पर रिवर्सल ऑफ हेड ऑफिस प्रॉफिट ऑन गुड्स सेंट अर्लियर बट नाउ रिटर्न्ड
50,000 का प्रॉफिट हमने प्रॉफिट हटा दिया, प्रॉफिट को एलिमिनेट कर दिया, प्रॉफिट को एलिमिनेट कर दिया। पहले ये प्रॉफिट 4,00,000 के रूप में उस 4,00,000 के अंदर रिकॉर्ड किया था, पहले ये प्रॉफिट उस 4,00,000 का पार्ट था। डाउट है क्या, डाउट है क्या किसी को, ये प्रॉफिट किसका पार्ट था? हाँ तो एक सेकेंड, This 50K is a part of 4,00,000 profit. ये उस 50,000 जो ये 4,00,000 के profit का part है। Next कौन सी चीज बोलो? Credit sale, सबसे पहले credit sale at SP है, already बता के रखा है मैंने। Entry क्या होती है credit sale की? क्रेडिट सेल की एंट्री हेड ऑफिस ने क्या की होगी? अच्छा एक सेकंड, सेल किसने किया? ब्रांच ने, पर ब्रांच की सेल को रिकॉर्ड कौन करेगा? हेड ऑफिस। और क्रेडिट पे हुई है तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा? कौन से डेटर्स बढ़ गए? ब्रांच के डेटर्स बढ़ गए। टू ब्रांच सेल, सेल और परचेज का एक कॉमन अकाउंट कौन सा? टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच जो भी सेल करेगा, ब्रांच जो भी परचेज करेगा, वो एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ, ब्रांच स्टॉक में। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच का स्टॉक गया इसीलिए क्रेडिट। तो ये इसकी पोस्टिंग करो, टेल मी, इसकी पोस्टिंग करो, चलो बाय ब्रांच डेटर्स ब्रैकेट में क्रेडिट सेल। हाँ बोलो कितना? 7,00,000। बेटा ये किस वैल्यू पर है? हाँ ये सेलिंग प्राइस पर है, जबकि हमारा रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? आईपी। बताओ इसको आईपी पर लाने के लिए अपोजिट साइड मुझे लोडिंग लिखनी पड़ेगी, पर इस बार जो लोडिंग होगी वो आईपी माइनस कॉस्ट वाली लोडिंग नहीं होगी। एसपी को आईपी पर लाना है, एसपी माइनस आईपी बोलना बेटा। यस, तो इसके अपोजिट साइड में, हाँ बोलो, टू ब्रांच एडजस्टमेंट ब्रैकेट में लोडिंग ऑन क्रेडिट सेल कितना बेटा? 1,20,000। 1,20,000 इसका पोस्टिंग करो, 120 का, 120 का पोस्टिंग करो। हाँ बाय ब्रांच स्टॉक 1,00,000। मैं आपसे पूछना चाहूँ ये कौन सा वाला प्रॉफिट है? प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं, लिखवाया था नलायकों, एक एक चीज लिखवाई है, देखते ऐसे हो घूर के। कौन सा वाला प्रॉफिट है, हेड ऑफिस का कि ब्रांच का? और ब्रांच का प्रॉफिट किस पॉइंट पर रिकॉर्ड करते हैं? सेल, सेल हो गया, गुड सेल हो गए, हमने ब्रांच का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया बेटा, क्लियर है कि नहीं? अच्छा ओरिजिनल गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? ₹2 बोलना बेटा। और ये गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने में भेजे थे? 150। और ब्रांच ने इसको कितने में सेल कर दिए? अच्छा ये वाला प्रॉफिट किसका, ये वाला प्रॉफिट किसका, जो कि हम ऑलरेडी यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब हेड ऑफिस ने जैसे ही उसको भेजा, हेड ऑफिस ने बोला मैं तो प्रॉफिट बुक करके रख रहा हूं, अंडरस्टूड नॉट? और अब हम कौन सा वाला प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहे हैं? ब्रांच का, कौन सा वाला? 30। तो ये वाला प्रॉफिट कौन सा है? ये 30 वाला प्रॉफिट है, कि ब्रांच को भी तो प्रॉफिट हुआ, तो 4,00,000 कौन सा प्रॉफिट? मुझे जो हुआ मैंने ब्रांच को भेजा। और ये 1,20,000 कौन सा प्रॉफिट? ब्रांच ने भी तो आगे सेल कर दिया, वो भी तो प्रॉफिट हुआ। समझा कि नहीं, समझा कि नहीं? बोलो। तो यहां पर ब्रांच ने आईपी से ऊपर सेल किया, ब्रांच ने आईपी से ऊपर सेल किया, इसीलिए हम वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ब्रांच ने आईपी से ऊपर सेल किया, अभी तक के दो प्रॉफिट हमने कौन से बुक किए? आईपी तक के प्रॉफिट, आईपी तक, ये जो 80 और 4,00,000 है ये कौन सा प्रॉफिट है? टिल आईपी। और ये 1,20,000 कौन सा प्रॉफिट है? अबव आईपी, ओवर एंड अब, नहीं समझ, सॉरी। ऊपर के दो प्रॉफिट कौन से हैं? इतनी आईपी, और नीचे का प्रॉफिट कौन सा है? अबव आईपी। अब टू आईपी किसका प्रॉफिट? हेड ऑफिस का। अबव आईपी किसका प्रॉफिट? ब्रांच का। हेड ऑफिस का प्रॉफिट एडवांस में बुक कर दिया, और ब्रांच का प्रॉफिट सेल होने के बाद बुक किया। लॉजिक क्लियर है कि नहीं? यस।
Yes. आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलो कौन सा फिगर है। हाँ, कैश सेल तो साफ साफ बोल रहा है आईपी पे किया, मतलब इस कैश सेल में ब्रांच ने कोई एडिशनल प्रॉफिट नहीं कमाया होगा। तुम लोग जवाब नहीं दे सकते मेरे को, इस वाले प्रॉफिट 450 के अंदर क्या ब्रांच का खुद का भी प्रॉफिट होगा क्या? ये 450 का प्रॉफिट सिर्फ इसमें कौन सा प्रॉफिट है? हेड ऑफिस का। तो हेड ऑफिस का प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमने इसमें रिकॉर्ड करके रखा है, मतलब इस बार एडिशनल ब्रांच का प्रॉफिट नहीं आएगा, समझा कि नहीं? बोलो कैश सेल की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, टेल मी। यहां पर आ जाएगा बाय ब्रांच कैश, कैश सेल्स 4 लाख, और ये कौन सी वैल्यू पर है? इसीलिए हम इसका कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इसका कोई लोडिंग नहीं हटा रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम उसकी लोडिंग रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसको लिखा और भूल गए। कभी देखो इसकी पोस्टिंग भी मैं कहीं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ब्रांच कैश तो मैंने को अकाउंट बनाना है नहीं, गुड सेंटर में इसकी पोस्टिंग कर दो क्या? नहीं, कोई गुड सेंटर से इसका रिलेशन नहीं है। अच्छा, इसका सर लोडिंग, बेटा लोडिंग मैं ऑलरेडी एडवांस में रिकॉर्ड कर चुका हूं जब मैंने गुड सेंड किए थे। कैसी मां कसम, कैसी कैसी शक्लें बना रहे हो रे तुम लोग, हां कैसी कैसी शक्लें बना रहे हो, समझ में बता रही कि नहीं? इसका मैं लोडिंग वोडिंग नहीं हटा रहा हूं, क्यों नहीं हटा रहा हूं? क्योंकि इसकी लोडिंग ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, मुझे इसका कुछ नहीं करना है। ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। सेल रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, बोल भाई क्या होगा? सेल रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, बोल। एंट्री क्या होती है? एंट्री रिटर्न हुआ तो गुड्स हमारे पास वापस आ गए, गुड्स वापस आ गए तो स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया और डेटर्स गिर गए, डेटर्स गिर गए, तो बताओ एंट्री बोलो, पोस्टिंग बोलो। टू टू ब्रांच डेटर्स, ये है क्रेडिट सेल रिटर्न, कितना? 135। किस वैल्यू पर? हाँ अच्छा, एसपी पर है तो इसका कुछ होगा, बोलो बोलो क्या होगा? रूल क्या है? ब्रांच स्टॉक हमेशा किस वैल्यू पे? आईपी पे, तो बोलो बोलो क्या होगा? हाँ, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। हाँ जी ठीक है, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट लोडिंग कितना? 22,500, 22,500। पोस्टिंग बोलो, दूसरी पोस्टिंग कहीं जाएगी क्या? दूसरी पोस्टिंग कहीं जाएगी क्या? ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगी। हाँ बोलो, टू ब्रांच स्टॉक, बेटा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हाँ बोलो कितना? 22,500। ये है लोडिंग ऑन सेल्स रिटर्न, और लोडिंग ऑन सेल्स रिटर्न। बेटा मुझे कोई बताए लॉजिक, 22,500 आपने डेबिट साइड लिखा है, क्यों लिखा है सोच के बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ तुम कुछ और बोल रहे हो, तुम कुछ और बोल रहे हो, तुम बोलो पहले क्या बोल रहे हो? ब्रांच ने प्रॉफिट तो 120 बुक किया था, वही बोला आपने भी। हाँ 120 ब्रांच ने प्रॉफिट बुक करके रखा था, वो ओवर एंड अबव आईपी वाला। हाँ, और उन कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए, वापस हेड ऑफिस को नहीं किया, वापस ब्रांच को किए। हेड ऑफिस अपना प्रॉफिट नहीं कम करेगा, क्यों नहीं कम करेगा? हेड ऑफिस गोली वापस आया, हेड ऑफिस बोला मैंने तो उसको दिया हुआ है ना। लॉजिक बोलो, लॉजिक समझो। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिए थे, हेड ऑफिस ने बुक कर दिया एडवांस में प्रॉफिट, ब्रांच ने आगे सेल कर दिया, ब्रांच ने भी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, गुड्स वापस ब्रांच को है, हेड ऑफिस को क्या मतलब? हेड ऑफिस लगा मैं अपना प्रॉफिट क्यों हटाऊं, मैंने तो तेरे को गुड्स दिए ना, गुड्स जो रिटर्न हुए वो तो तेरे पास आए, मैं तो अभी भी मान रहा हूं कि तू तो भेज देगा, मेरा तो प्रॉफिट है। नहीं समझा क्या? हाँ एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को जब गुड्स भेजे थे तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर दिया था एडवांस में, कि भाई तेरे पास गुड्स चलेगा मतलब मेरा प्रॉफिट। ब्रांच ने आगे गुड्स सेल कर दिए कस्टमर को, तो ब्रांच ने ये 120 का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, बोलो बेटा ब्रांच का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, पर वो कस्टमर ने ब्रांच को गुड्स वापस कर दिए, किसको वापस किए? किसको वापस किए? हेड ऑफिस को किए क्या? हेड ऑफिस तो अभी भी बोलेगा मैंने तो तेरे को दे रखे ना, मैं क्यों अपना प्रॉफिट बुक हटाऊं? फिर कौन सा वाला प्रॉफिट हटेगा, कौन सा वाला प्रॉफिट हटेगा? ओवर एंड अबव आईपी वाला, मतलब ये 120 में से प्रॉफिट हटेगा, समझ में बात आ रही कि नहीं? तो ये जो प्रॉफिट हट रहा है 22,500, ये किसका हिस्सा था पहले? हाँ 120 का, तो यहां पर लिखूंगा मैं ये 22,500 पहले 120 का क्या था,
हिस्सा हिस्सा। हाँ अब हटा दिया। कोई पूछे कि तो हेड ऑफिस का भी तो प्रॉफिट हटाओ। हेड ऑफिस को थोड़ी रिटर्न हुआ है, हेड ऑफिस ने तो अभी भी किसको दे रखा है गुड्स? ब्रांच को। गुड्स तो ब्रांच के पास पड़े हैं, हेड ऑफिस को कोई मतलब थोड़ी है। समझा कि नहीं? ये साइड साइड में तुम लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो? ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं भाई। हाँ चलो बोलो नेक्स्ट। बोलो और क्या? हाँ शॉर्टेज शॉर्टेज बोलो ऑफिस बोलो। हाँ शॉर्टेज को कैसे रिकॉर्ड करते हो? शॉर्टेज इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000। 90,000 किस वैल्यू पर होगा? ये गुड्स तो अल्टीमेटली लॉस्ट हो गए, अल्टीमेटली लॉस्ट हो गए ना बेटा। हाँ तो हेड ऑफिस बोलेगा यार ये गुड्स मैंने ब्रांच को पहले कभी भेजे थे तो मैंने एडवांस में प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, ये गुड्स तो ब्रांच के यहां से भी निकल गए मतलब लॉस्ट हो गए। तो ये गुड्स तो ब्रांच के पास भी नहीं है। समझे कि नहीं? तो शॉर्टेज में क्या होता है मुझे बताओ। 90 के पहले दो हिस्से बताओ, कॉस्ट और लोडिंग। 60 और बेटा 60 तुम्हारा रियल लॉस है। 60 क्या है? रियल लॉस। और 30 क्या है? लोडिंग। तो 30 को क्या करोगे? रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ लोडिंग, रिवर्सल ऑफ लोडिंग। तो एंट्री बोलो क्या होगी? शॉर्टेज की एंट्री क्या करते हैं? ब्रांच पी एंड एल डेबिट। कितना? 60। रियल लॉस कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। लोडिंग कहां से हटेगी? ब्रांच एडजस्टमेंट। कितना? और ये गुड्स लॉस्ट हो गए, तो गुड्स लॉस्ट हो गए तो स्टॉक गिर गया। टू ब्रांच स्टॉक। हाँ तो पोस्टिंग कहां पर आएगी? पोस्टिंग क्या आएगी? हाँ बोलो बाय। बोलो बोलो बोलो। बाय ब्रांच पी एंड एल। कितना? 60। और बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। कितना? 30,000। क्या आपकी ओवरऑल शॉर्टेज है? आपका ओवरऑल शॉर्ट है। इन दोनों की पोस्टिंग कहां कहां होगी? 60 की भी पोस्टिंग होगी कहीं ना कहीं और 30 की भी पोस्टिंग होगी कहीं ना कहीं। बोलो कहां कहां होगी? 60 को पहले मुझे 60 बताओ। 60, 60 का टू ब्रांच स्टॉक ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस। 60 ये नुकसान हो गया। स्टॉक को हटा दिया। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि स्टॉक को हटाया, स्टॉक को हटा के नुकसान बुक कर दिया। दूसरा 30 बोलो। 30 30 30। हाँ टू ब्रांच स्टॉक 30, ये लोडिंग ऑन शॉर्टेज। अच्छा ये डेबिट साइड में 30 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या? क्या इसका लॉजिक क्या लिखूं? बोलो 30 क्या किया मैंने? हेड ऑफिस ने जो पहले प्रॉफिट कमाया था गुड सेंट पर, उसमें से कुछ गुड्स लॉस हो गए तो इसलिए प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूं हेड ऑफिस ने पहले प्रॉफिट बुक किया था ऑन गुड्स सेंट बट सिंस इट इज शॉर्टेज तो 30,000 का प्रॉफिट रिवर्स होगा। हेड ऑफिस ने पहले प्रॉफिट बुक किया था ऑन गुड्स सेंट सिंस इट इज शॉर्टेज तो 30K का प्रॉफिट रिवर्स होगा। शॉर्टेज हो गए, गुड्स लॉस्ट हो गए तो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। समझ रहा है कि नहीं? चलो बोलो अब क्या बचा? बस सब हो गया। अब आप ब्रांच स्टॉक को क्लोज करो। ब्रांच स्टॉक को क्लोज किया। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 262
500, ये मिल गया हमें क्लोजिंग स्टॉक 262,500 मिल गया क्लोज। बेटा ये कौन सी वैल्यू पर होगा? आईपी पर इस अकाउंट में तो आईपी पर आती है चीजें। हाँ, पर ये तो गुड्स ईयर एंड में बच गए ना, ये गुड्स तो ईयर एंड में ब्रांच के पास बच गए। इतने गुड्स ब्रांच सेल नहीं कर सका, क्या करूं? इतने गुड्स ब्रांच सेल नहीं कर सका, कुछ हेड ऑफिस को करना पड़ेगा क्या? ये गुड्स कभी ना कभी सेंट हुए होंगे, सेंट हुए होंगे तो 400,000 का प्रॉफिट का पार्ट होंगे, बोलो ना बेटा। तो अब ये गुड्स बिके ही नहीं, हेड ऑफिस ने प्रॉफिट क्या सोच के रिकॉर्ड किया था? हाँ, सेल हो जाएंगे, पर क्या ये सेल हुए क्या? तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट मुझे क्या करना चाहिए? रिवर्स। तो इसका स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड में, यहां पर इस ब्रांच एडजस्टमेंट के। हाँ, तो स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक 175 तो कॉस्ट है ना, 87,500। हाँ जी, इसका लॉजिक बोलो क्या लिखूं, बोलो। अर्लियर 4,00,000 प्रॉफिट वॉज बुक्ड ऑन गुड सेंट ऑन एन अजम्पशन, क्या अज्यूम करते हुए? दैट दे विल बी सोल्ड फुल्ली, बट सम गुड्स नॉट सोल्ड, तो प्रॉफिट आईपी माइनस कॉस्ट रिवर्स्ड ऑन सच। Earlier 4,00,000 profit was booked on goods assigned on an assumption that they will be sold fully, but in some goods not sold, so profit matlab IP minus cost reversed on such. Batao is account ka balancing figure kya aa raha hai? 4,10,000 kya hota hai ye? GP और किसमें डालते हैं? ब्रांच पीएनएल में, सीआईआर टू ब्रांच पीएनएल ब्रैकेट में जीपी, बोलिए 4,00,000 4,10,000। क्या मुझे इसको रिकंसाइल करके दे सकते हो? क्या मुझे इसको रिकंसाइल करके दे सकते हो? फाइनल रिकंसलेशन, फाउंडेशन में बैंक रिकंसलेशन पढ़ा था, बैंक बुक को कैश बुक से रिकंसाइल करते थे, मुझे करके दो ना, ये 4-10 कैसे है, रिकंसाइल करके दो। बैंक रिकंसलेशन टाइप ही पूछ रहा हूं, रिकंसाइल करके दो, ये 4-10 कैसे है। चलो एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, तुम करके बताना बाकी दूसरा। बेटा ये 4-10 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सेल पर। तुम्हारे पास दो दो सेल पड़ी है, तुम्हारे पास दो दो सेल पड़ी है, देख लो मिल गई हिंट, अब इससे आगे मैं क्या बताऊं? उसी के अंदर ये 4-10 शामिल है, देख लो। आया करना बेटा, थोड़ा सा ट्राई तो कर एक बार। आया फिंगर 80 रुपए का प्रॉफिट, सर क्रेडिट सेल के ऊपर 80 रुपए का प्रॉफिट है, जो कैश सेल है उसमें 50 का प्रॉफिट है, पर क्रेडिट सेल में एक रिटर्न भी है, तो नेट क्रेडिट सेल का 80 रुपए प्रॉफिट है और कैश सेल पे 50 रुपए का प्रॉफिट है, निकल जाएगा ऐसे, निकाल के देख। क्रेडिट सेल के ऊपर 80 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए के गुड्स अल्टीमेटली 180 में सेल किए गए, जिसमें प्रॉफिट हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का शामिल है, 80 रुपए, तो 80 रुपए वैल्यू निकाल लेना वो चीज, और कैश सेल में 50 रुपए का प्रॉफिट शामिल है तो 50 रुपए की वैल्यू निकाल ले, रिकंसाइल हो जाएगा तेरा। तो इसका रिकंसिलेशन, पहला क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल आई थिंक 720 माइनस 135, बोलना बेटा कितना है? 720 में से 135 गया तो कितना बचा? 5। और ये किस वैल्यू पर है? एसपी पर है, बस निकल गया प्रॉफिट इसमें। जीपी कितना आएगा? 585, ये 180 पर है, तो अल्टीमेट प्रॉफिट 80 रुपए का है,
कितना? 2,08,000। दूसरा, सेकंड तो तुम बता दो एटलीस्ट करके। 150 कैश सेल, कैश सेल है 450 की और वो आईपी पर है, तो इसका जीपी कितना आएगा? इसका जीपी कितना आएगा? 450 ये आईपी पर है तो डिवाइडेड बाय भी आईपी ही होगा, और मुझे क्या चाहिए? मुझे 50 प्रॉफिट चाहिए, 150। अब तुम इन दोनों को ऐड करो, 410। तुम्हारा प्रॉफिट कितना है? 410। इसी को कहते हैं ना रिकंसिलेशन बेटा, दिस इज द रियल लॉजिक बिहाइंड द एंटायर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। समझा कि नहीं समझा?